अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त, बिल्कुल रेगुलर जिस तरह गोश्त बनता है उस तरह बनाया है, पर इसमें दही भी डलता है। पहले आप प्याज को ब्राउन कर लें, उसमें लहसुन अदरक डाल के फिर आप उसमें मसाला डालें, लाल मिर्च डालें, नमक डालें, धनिया डालें और गोश्त डाल के, जिस तरह मैंने बकरे का गोश्त डाला था, डाल के उसको कम से कम 1.5 घंटा पकाएं ताकि वो बिल्कुल नरम हो जाए। उसके बाद हमने एयर फ्राई में भिंडियों को जो है ना हल्का सा पका रहे हैं ताकि उससे सबसे अच्छी बात है इसका लेस ख़त्म हो जाता है सारा। ये देखें कितनी ड्राई हो रही है, मैंने सिर्फ इसको काट के धो के। और ये फ्रोजन भिंडियाँ हैं, ये चीप पड़ती हैं बनिस्बत आप रेगुलर भिंडियाँ ख़रीदें, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो फ्रोजन लें वो बहुत चीप पड़ती है। तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी हैं और ये हम भुनाई करते हुए अब भिंडी में डालेंगे। थोड़ा लेस बिल्कुल देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब इसकी हम अच्छी से भुनाई करेंगे और फिर इसमें गोश्त डाल के 5 या 10 मिनट पकाएंगे और फिर उसको नींबू डालेंगे क्योंकि भिंडी में नींबू बहुत मज़े का लगता है, नींबू डालेंगे और हरा धनिया डाल के उसको नान के साथ सर्व करेंगे। ये मैंने भिंडी के 2 पैकेट लिए थे, मुझे $4 के पड़े हुए थे, हमें $1.50 का 1 पैकेट था, तो भिंडी आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है, उसकी जो लेस होती है वो आपकी हड्डियों के गुदे के लिए जैसे वो बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश करते हैं हफ्ते में एक दफ़ा भिंडी मछली ज़रूर खाया करें। सारा मसाला इसमें हो गया है और इसमें हम डाल देंगे साथ के साथ गोश्त डाल देंगे, एक गोश्त जो हमने गला लिया था। मैं इसको ज़्यादा नहीं हिलाऊंगी क्योंकि भिंडी टूट जाएगी। अच्छा, आप लोग अगर इसको शोरबा करना चाहते हैं तो इसमें आप पानी डाल के भी पका सकते हैं, मैं थोड़ा भुना भुना रखूँगी, इसी टाइप रखूँगी, उसको बस स्टीम में पकाऊंगी और जैसे ही 10 मिनट बाद फिर मैं हरा धनिया और नींबू डाल के फिर दिखाते हैं इंशाल्लाह आपको। भिंडी हमारी गल चुकी है, अब इसमें हम लेमन डालेंगे, मैं बॉटल वाला यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश डाल दीजिएगा, ये थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है। और इसमें आप हरा धनिया डालेंगे,